सर्विस, ठीक है। तो i5 फर्स्ट जनरेशन है, 4GB 250GB के साथ है, मेटल बॉडी के साथ है, ये बारीक बेजल के साथ अक्सर क्लाइंट जो है इस चीज को बहुत पसंद करते हैं। जी जी, वो आजकल मशहूर भी है बेजल लेस। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं लैपटॉप गैलरी पर, जहां हम आपको दिखाएंगे लैपटॉप की वैरायटी। और आप देख रहे हैं ये लैपटॉप बैग्स वगैरह भी हैं भाई के पास, ठीक है। ये आगे लैपटॉप एक्सेसरीज भी है, इन सब की प्राइजेज वगैरह आज हम आपको बताएंगे। तो आइए वाजिब भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिब भाई, कैसे हैं वाजिब भाई? ठीक हैं आप? अच्छा वाजिब भाई, सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दें और एड्रेस वगैरह। मेरा मोबाइल नंबर है 0323518120 और PTCL नंबर है 512062। अच्छा भाई, अगर ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह का अगर कोई आपको कस्टमर कहता है कि ऑनलाइन डिलीवर करा दें, तो एडवांस अगर वो कर देता तो आप कर देंगे उसे ऑनलाइन डिलीवर वगैरह? जी जी, हमारी ये कि डिलीवरी जो भी है, लैपटॉप हो गया, TCS हो गया, इसके थ्रू अगर क्लाइंट कहते हैं तो हम उसे डिलीवर भी करवा देते हैं किसी भी कंट्री, यानी कि शहर में। चलें फिर भाई भी स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं खिला जी, मैं खिला कम से स्टार्ट करते हैं आज पहले। तो i5 फर्स्ट जनरेशन है, 4GB 250GB के साथ है, मेटल बॉडी के साथ है, ये ठीक हो गया, बिल्कुल 10x10 कंडीशन में मशीन है, ठीक है, कोई स्क्रैचेस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बेहतरीन मशीन है, साफ सुथरी, ठीक है। और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है, और इसमें आपका ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, इसमें फर्स्ट जनरेशन में कितने GB का वाजिब भाई ग्राफिक कार्ड लगा? कार्ड इसमें माउंटर लगा हुआ है, टू का लगा हुआ है, पाँच सौ एम जी का, नॉर्मल यूजर के लिए बेहतरीन मशीन है, सही, ठीक है। और ये इसकी प्राइस बिल्कुल 17,500 प्राइस है, सही हो गया, ठीक हो गया। बैटरी टाइमिंग में इनकी बेहतरीन है सब कुछ है। इसके अलावा सेकंड जनरेशन पड़ी है मेरे पास, 8660 पड़ी है, ठीक है, एलईडी हो गया, ये भी जी जी, ये भी बिल्कुल A+ 10x10 के साथ है, ये भी मेरे ख्याल मेटल बॉडी है, ये भी मेटल बॉडी है आपकी, ये भी मेटल बॉडी है आपकी, ठीक। उसके बाद थर्ड जनरेशन है मेरे पास, कितनी हो जाएगी और हार्ड कितनी स्पोर्टेड कर लेती है? सर आपको फर्स्ट सेकंड जनरेशन इसके अलावा अगर आप फोर्थ देखें, मेरे पास HP की लीड बुक करी है, ठीक है, 840G2 i5 फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है, 8GB 256GB के साथ है, सही कंडीशन देखें इसकी आप, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है, इसकी प्राइस बिल्कुल मुनासिब है, 8GB और 256GB के साथ ये आपको 40,000 में मिल जाए, सही हो गया। मैं था कि इसकी प्राइस कम से कम 8GB 256GB के साथ जो है ना वो 45,000, सही हो गया। इसी तरह HP 840G3 भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, पड़ी है, ये भी 8GB भी देखें, बिल्कुल 10x10 ये लीड बुक में आ गई, बैकलाइट की बोर्ड, हाँ जी बिल्कुल, बैकलाइट की बोर्ड के साथ है, कंडीशन आप देखें, ये जी जी जी, फ्रंट बैक देखें आप, बिल्कुल 10x10 कंडीशन। इसकी क्या प्राइस हो जाएगी भाई? अरे भाई, ये इसकी प्राइस आप क्लाइंट को कह रहा, आपकी जो फॉलोअर हैं जो भी है वो अगर देख के वीडियो आते हैं इसका हम डिस्काउंट प्राइस दे देंगे क्लाइंट को, ये 47,000 की आपको क्लाइंट के आपके क्लाइंट को ये मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेवन जनरेशन में भी भाई 40G3 पड़ी है, G4 पड़ी है, ठीक है, ये भी तकरीबन सेम टू सेम ही है, सेम है, इसमें सिर्फ ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है और बैकलाइट की बोर्ड, तो वो टच स्क्रीन के बगैर थी वो 840G3 वो विदाउट टच स्क्रीन है, ये डेल में पड़ी है, ये देखें इसकी कंडीशन देखें, और ये बेजल लेस है, ठीक है, बारीक बेजल के साथ अक्सर क्लाइंट जो है इस चीज को बहुत पसंद करते हैं। जी जी, वो आजकल मशहूर भी है बेजल लेस, बिल्कुल इसी तरह। इसमें मेरे पास 6 जनरेशन भी है, 7 जनरेशन भी पड़ी है, प्ले स्टेशन में 55 है और 55 मॉडल है। सो अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए और एडोब फोटोशॉप वगैरह के लिए जो लैपटॉप रिक्वायर्ड होते हैं वो ये जो मशीन आपको दिखाई है ये वर्क स्टेशन मशीन है, ठीक है, जो प्रोसेसर लगा हुआ है HQ प्रोसेसर लगा हुआ है,
कोर सपोर्टेड प्रोसेसर है ये, ठीक है। इसकी कह लें कि इसके कह लें ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे भी अगर आप इसको यूज करना चाहें तो ये इतने ही चलता, यानी कि सपोर्टेड है, रैम वगैरह 32 GB तक चली जाती है, सपोर्टेड है, ठीक हो, सही हो, 32 GB तक आप आराम से इसके रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। SSD इसमें आपका SSD और हार्ड ड्राइव दोनों का ऑप्शन है, सही हो गया। इसके अलावा लेनोवो में मेरे पास पड़े हुए हैं, पता कि आपको ये एक चीज बताता हूँ मैं, ये लेनोवो में मेरे पास 10th generation पड़ी है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल 10x10 है जी, ठीक है, 8 GB 256 GB के साथ है। इसके अलावा ये XPX देखें, XPX के ग्राफिक्स जो है ना ये तमाम मशीनों को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। i5 10th generation है, 8 GB 256 GB के साथ है और बैकलाइट कीबोर्ड है और टच स्क्रीन भी है उसमें, उसके स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो आपकी जो है ना ये 2K सपोर्टेड है, ये 2K स्क्रीन है, सॉरी जी, ठीक है ना। तो भाई भी इनकी प्राइस वगैरह क्या हो जाएगी इसकी 10th generation की और इसकी XPS की? ये लेनोवो जो है 10th generation में ये हम क्लाइंट को जो है ना 95 तक जो है ना बहुत जबरदस्त है, टच भी हो गया, इसका क्या हो जाएगा? ये भाई ये वैसे तो ब्रांड न्यू मशीन तो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है क्लाइंट को, कम से कम भी ये क्या लगे 3 lakhs प्लस है, सही हो गया। ये क्लाइंट उसे हम 125 में मिल जाएगी, इसके अलावा ये HP की नए लोगों में जो आ रही है जी, ये नए लोग ये इसने तो तबाही मचाई हुई है, इसकी तो बहुत डिमांड है अभी तो मार्केट में हमारे, ठीक है। ये 850 है, इसमें 830 कहेंगे 830 भी मिल जाएगा, 840 कहेंगे वो भी मिल जाएगा, G6 i5 8th generation, ये मेटल बॉडी है, ठीक है, और ये इनकी प्राइसेस भी मुनासिब है। हाँ, इन मॉडल्स के साथ आप जो है ना क्लाइंट को छोटा मोटा गिफ्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, सही हो गया। और कूलिंग पैड हो गया, उसके अलावा बैग्स हो गए, ठीक है, सही हो गया, क्लाइंट को गिफ्ट भी एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, सही हो गया। अभी हमारे पास ये लैपटॉप के बैग्स हैं, ठीक है, और हैंड बैग वगैरह सेफ्टी के लिए तो वही भी इनकी हल्की हल्की प्राइस अगर इनकी पता चल जाए तो हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए, रीजनेबल ही है, ठीक है। प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस जो है 1200 से स्टार्ट हो रही है और आगे 3500 तक कॉस्ट हो रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी मेरे पास ये वायरलेस माउस हो गए, गेमिंग माउस हो गए, RGB लाइट का जो आजकल गेमिंग की जी जी RGB माउस हो गया, ठीक है, इसकी वरायटी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, इसमें स्पाई के भी बने हैं, ठीक है, उसके बाद ओला के भी बने हुए हैं, HP की भी है आपके पास, और सबसे अच्छे इसमें रेपो जो है अभी इसमें बहुत रनिंग मॉडल है, अब ये रेपो पे मेरे पास वायरलेस माउस भी बने हुए हैं, ठीक है जी। ये बेसिक आपके लॉजिटेक हो गया, रेपो हो गया, ये सबसे टॉप पे ब्रांड चल रहे हैं अभी। इसके अलावा आपको एसेसरीज में एक्सटर्नल हार्ड्स होगी, सेकंड KDs होगी, मुख्तलिफ यानी एसेसरीज में तकरीबन ऑल वैरायटी जो है ना, यानी कि अगर कस्टमर आता लेने के लिए आपसे तो आप यानी कि कीमत वगैरह जो इंशाल्लाह कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हमने कोशिश किया कि स्टॉक पूरा करें, ठीक है, और उनके लिए हमारा स्टॉक जीरो आ जाएगा, तो कोशिश यही कि क्लाइंट की जो भी डिमांड है ना वो हम पूरी कर सकें। इसके अलावा छोटे मोटे कन्वर्टर लगे हुए हमारे पास, ठीक है, HDMI to Mini DP to भेजे, ठीक है, USB हब वगैरह हो गया, HDMI केबल्स होगी, काफ़ी सारी माउस पैड वगैरह हो गए, हमारे पास लैब की सहूलत भी है, रिपेयरिंग लैब है, ठीक है, इसमें हर किस्म का लैपटॉप डेल HP वो मैकबुक तक हम रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ये नहीं कि हम बाहर से निकालें खुद रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रिपेयरिंग रिलेटेड जो है पार्ट्स हो गए लैपटॉप के, की बोर्ड हो गए, इंजन हो गए, फैन स्पीकर, ये आपको सब वैरायटी इंशाल्लाह आपको लैपटॉप जल्दी से मिलेगी, सही हो, यानी कि कोई भी किसी तरह का भी लैपटॉप आ जाए यानी कि आप रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक हो गया भाई भी।